लिए ना बहुत ही उम्दा किस्म की डिश लेके आया हूं, ग्रिल्ड पनीर टिक्का विद मंचूरियन सॉस। अब खाना जो है ना आप कई प्रकार से बना सकते हो, लेकिन इन सारी चीजों में एक फैक्टर कॉमन होता है कि वो चटकारेदार होना चाहिए। जुबान पे लगते ही आपको लगे कि भाई क्या बात है, क्या चीज बन गई है। रेसिपी जो है आप अपने अंदाज से बना सकते हैं। आज मैं कुछ ऐसे ही कर रहा हूँ। वैसे टिपिकली पनीर टिक्का तो तंदूर में बनाते हैं, मैरिनेशन दही वगैरह का होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हट के बना रहे हैं। सबसे पहले पनीर 150-250 ग्राम का ले लेते हैं। इसमें इस तरह से काटना है पनीर, ठीक है? ये इस तरह के पीसेस काटिएगा। अब ट्रेडिशनल मैरिनेट से हट के, थोड़ा अलग हट के मैरिनेट बनाते हैं। पनीर बोल में ले लेते हैं। इसमें मैं चिंग सीक्रेट का रेड चिली सॉस ले रहा हूं, ठीक है? पहले एक चम्मच ही डालें बड़ा वाला, और ये एक छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस, ये भी चिंग सीक्रेट, ठीक है जी? ये लो, ऐसा उमामी टेस्ट उसके लिए। और हल्का सा नमक डाल लें, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा डाल, ठीक है? बहुत सिंपल तरीके से मैरिनेट करना है। ये सारे पनीर को मिक्स कर लें। ये लीजिए, ये टॉस करके रख दिया। अब एक छोटा बोल लेते हैं, चिंग सीक्रेट का ही वेज मंचूरियन मसाला मिक्स ले लेते हैं। ये लीजिए, ये लेके घोल बना लेते हैं। अब ये सारे मसालों में खास बात क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। अब इसमें एक ग्लास भर के या 250 ml तक पानी डाल लें। इसमें ये डाल के घोल तैयार कर लिया हमने, इसको भी मैं अलग रख लेता हूँ। सबसे पहले पनीर ग्रिल करेंगे। ग्रिल पैन ले लेते हैं, इसमें तेल डाल लेंगे। इसमें तेल डाल के गर्म होने तक इंतजार करते हैं। अब जैसे ही ग्रिल पैन हमारा गर्म होता है, हम पनीर जो हमने मैरिनेट किया है अच्छे से वो चेक कर ले, उसको हम इसमें डाल देते हैं। चलिए, जब पनीर पे अच्छी तरह से ये मार्क्स आ जाएं, जो ग्रिल पैन के मार्क्स से वो आ जाएं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा और फ्लेवर में एनहेंस करेंगे। तो जो मेरे पास रेड चिली सॉस है वो और डालेंगे, ये लीजिए, ठीक है? ताकि मज़ा भरपूर आए। तो ये लगभग 2 बड़े चम्मच और डल जाएंगे, ठीक है? अब आएगा असली मज़ा। यहाँ पे पनीर को वापस पलट लेंगे। ये लीजिए, अब बढ़िया मार्क्स आ गए। अब सॉस में लपेटेंगे, पूरा ड्राई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा मैं, अब हम एक काम करेंगे, इसको अलग रख लेते हैं। ये पैन को मैं अलग रख लेता हूँ, और यहाँ पे वॉक ले लेते हैं, यानी कि हमारी विलायती कढ़ाई जो है, विलायती कढ़ाई कहता हूँ, इसमें थोड़ा सा अदरक 1 छोटा चम्मच, लहसुन 1 छोटा चम्मच, इसमें मैं हरी मिर्चों की जगह लाल मिर्चें डालूँगा, तीखी वाली है, ये डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है? तो लाल मिर्चें जो है, छोटी वाली एकदम तो वो 2-3 डालिएगा, बड़ी वाली है वो भी 2-3 ही डालिएगा, तीखा जितना पसंद है उसके हिसाब से। अब इसमें प्याज कैप्सिकम छोटा वाला काट लें, प्याज कैप्सिकम डाल के स्टर फ्राई करें 1 मिनट तक। अब ये घोल ले लिया, ये डाल लिया, इसको गाढ़ा करेंगे, अब पकाएंगे अच्छे से। तो जी, हमारी मंचूरियन की ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो गई है। इसमें अब डाल लेते हैं धनिया, थोड़ा सा हरा प्याज, तो ये सारी चीज़ें मज़ा दिलाएगी ना, है ना? इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। फिनिश करने के लिए ये ग्रेवी को बगल में रखते हैं। जो हमने ग्रिल पनीर टिक्का बनाया उसको ले लेते हैं, थोड़ा सा गर्म करेंगे, ठीक है जी? और परोसने की तैयारी कर लेते हैं। वाह, चलिए जी, बढ़िया कंसंट्रेटेड हो गया है, तक ये मंचूरियन सॉस गर्म होता रहेगा, परोस लेते हैं। पनीर टिक्का, उसका एक अपना अलग मजा, साथ में मंचूरियन सॉस, ये लीजिए। लो जी,
इसका अपना अलग मजा, थोड़ा धनिया, वाह, हरा प्याज, भाई देख के खुशी हो रही है जितनी ना मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मजा आ रहा देख के, लग रहा है कि इमीडिएटली फ्राइड राइस, नूडल या सिर्फ स्नैकिंग के लिए एक छोटी सी प्लेट मिल जाए, ये एक पनीर ले, उस पर थोड़ी सी मंचूरियन ग्रेवी डाले और जो दो प्रकार के फ्लेवर्स हैं ना मेरे मुंह में बर्स्ट हो जाएं, मज़ा आ जाएगा। आपको सुन के मज़ा आ रहा है, मुझे बनाते हुए इतना मज़ा आया, पूछिए मत भाई। स्वाद की गारंटी जो है वो चिंग सीक्रेट देता है और रेसिपी बनाने की तरकीब की गारंटी वो मैं देता हूँ जी।